Acme Educational Publications. Number 1. Educational Group. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मिंकू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि मुसव्वते और मुसम्मते किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस तरह इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसी तरह उर्दू में मुसव्वते और मुसम्मते होती हैं। तो बच्चों, मुसव्वतों को हर्फ अलग भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको वॉवल्स कहते हैं। उर्दू में चार मुसव्वते हैं, अलिफ, वाओ, छोटिए और बड़िए। चलें बच्चों, अब हम इनको नज़म के जरिए याद करते हैं। मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं। मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं। अलिफ वाओ छोटिए बड़ी भी है, अलिफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये भी है। मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं। मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं। तो बच्चों, अब आपको याद हो गया होगा कि मुसव्वते कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम इनकी मिसाल देखते हैं। अलिफ की मिसाल है जाला और तारा। जी बच्चों, इसके अंदर अलिफ आ रहा है। चलें अब वाव की मिसाल देखते हैं। वाव की मिसाल है रू, वर्दी, क्योंकि इसमें वाव आ रहा है। अब छोटी ए की मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल है दादी और आरी, क्योंकि इसमें ये आ रहा है। अब बड़ी ए की मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल है गुब्बारे और तारे, क्योंकि इसमें बड़ी ए आ रहा है। चलें बच्चों, अब हम मुसम्मतों की बात करते हैं। मुसम्मतों को हर्फ सही भी कहते हैं और इंग्लिश में इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। मुसव्वतों के चार हर्फ को छोड़कर बाकी के सारे हर्फ तहज्जी मुसम्मतों में शामिल है। तो बच्चों, आपको मुसव्वतों और मुसम्मतों की पहचान हो गई है। बहुत खूब। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।